तो एक छोटे से मिनट दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कुछ लाइटरूम ऐप के बारे में बताऊंगा पूरी जानकारी, कौन सा टूल से क्या होता है, जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों अपने लाइटरूम ऐप के अंदर कुछ अपने फोटो को ओपन कर लेते, कुछ यहाँ से अपने फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। सेकंड दोस्तों बैक आना है आपको, कुछ लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना कुछ इस तरह से, अपने फोटो को यहाँ से कुछ ढूंढ लेना, ये रही हमारी फोटो दोस्तों। ये फोटो ओपन होने तक आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलता है ना, आता सिलेक्टिव टूल पे आएंगे दोस्तों यहाँ से, और इस प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, और यहाँ से हमें ये वाली इसको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, फेस पे अप्लाई इसको करना है कुछ इस तरह से, जैसा कि देख सकते हो सर्कल, इससे हमारा फेस पे लाइटिंग आएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वीडियो बने रहे, कुछ लाइट पे आना यहाँ से दोस्तों, इसके एक्सपोजर को कुछ इस तरह से इंक्रीज करना, जैसे हमारा फेस पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हो, कुछ इस तरह का हमें रखना है। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे, इंक्रीज करेंगे दोस्तों, हाइलाइट्स कम कर देंगे, शेडो भी कम कर लेंगे दोस्तों, और वाइट को भी कम कर लेंगे, और ब्लैक को भी थोड़ी सी कम कर देंगे। ये होने का दोस्तों राइट, यहाँ से राइट डन कर देना है। ये होने का दोस्तों आपको कुछ हीलिंग्स वाले टूल पे आएंगे दोस्तों, इसमें सिंपल ये होता है कि ना हम अपने कुछ हाइड करनी होती है, जैसा कि देख सकते हो ये वाली सिस्टम, हमें अगर इसको यहाँ ले आएंगे तो कुछ ये देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, कुछ मैं आपको जैसे अपने बैक आ देते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों। बैक आने के बाद दोस्तों क्रॉप वाले ऑप्शन पे अपने फोटो को यहाँ से कुछ क्रॉप कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो यहाँ से हम फोटो को खोल के क्रॉप कर लेते हैं, डन कर देना दोस्तों। क्रॉप होने के बाद ना आपको प्रीसेट का ऑप्शन मिलता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन लाइटरूम के अंदर प्रीसेट मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हो, तो आपको कौन सा प्रीसेट अप्लाई करना है अपने फोटो में अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन प्रीसेट मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरह से दोस्तों। सिंपली मैं ये वाला प्रीसेट अप्लाई कर लेता हूँ, जैसे देख सकते हो हमारा फोटो एडिट करें जो अपने, हमारा फोटो ऑलरेडी एडिट हो चुका है दोस्तों, लेकिन मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ से, मुझे प्रीसेट अप्लाई नहीं करनी है तो मैं यहाँ से कुछ बैक आ जाऊँगा। बैक आने में दोस्तों कुछ इसे कट कर देना है दोस्तों, यहाँ से ऑटो वाले ऑप्शन पे आएंगे, अब कुछ आपको इसको ऑटो कर देना है, और उससे अगला ऑप्शन दोस्तों ये है लाइट का दोस्तों। हमें ऑटो वाला ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हम अगर ऑटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें लाइट्स एडजस्ट करनी नहीं पड़ती, उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ये होने का दोस्तों अगला ऑप्शन आता है कलर का, कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे तो दोस्तों यहाँ से ना ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, लेकिन दोस्तों आपको ब्लैक एंड वाइट करना है तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है दोस्तों, वापस क्लिक करना है इस पर, और आपको कुछ मिक्स वाले ऑप्शन पर आना है, और दोस्तों पहला और दूसरा पर्सन है जो अपने फेस को गोरा कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं यूज इस टूल को दोस्तों। पहले वाले ऑप्शन को कुछ इस तरह से यूज करते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर पे आएंगे दोस्तों कुछ इस तरह से हमें अपने फेस को गोरा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फेस स्मूथ भी हो रहा है, गोरा भी हो रहा है कुछ इस तरह से देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर दोस्तों देख सकते हो। ये होने का दोस्तों अपने येलो वाला कलर पाएंगे अपने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड कलर येलो है तो कुछ अपने कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ग्रीन और येलो कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली अपने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो मैं आपको कुछ इस तरह से देख सकते हो जैसे कर रहे हैं आपको सिंपली का, जैसे कि देख सकते हो अपने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें कुछ इस तरह से, कौन सा कलर आपको बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं सिंपली यार मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो कुछ इस तरह से मैं इसको रख लूँगा, तो कुछ इस तरह से हमारा फेस भी स्मूथ हो चुका है, बहुत ही ऑसम लग रहा है दोस्तों। ये होगा ना नेक्स्ट कलर पे आएंगे कुछ इस तरह से अपने, सही देख सकते हो ब्लू कलर पे आएंगे दोस्तों कुछ इस तरह से हमें, जैसे हमारा कैप का कलर चेंज हो रहा है, और पैंट का कलर जो सा कलर आपको रखना है कुछ वो कलर रख सकते हो कुछ इस तरह से दोस्तों। सिंपली मुझे ये रखना है तो इसको कुछ इस तरह से कर देना दोस्तों, नेक्स्ट कलर पर आ जाना दोस्तों, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने अपने फोटो के हिसाब से कलर रखना है, तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों, डन पे क्लिक करना है यहाँ दोस्तों। इफेक्ट वाले ऑप्शन रहेंगे और कुछ इस तरह से आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, क्लियरिटी इनक्रीज कर लेंगे अपने फोटो को थोड़ा सा एच डी में करने के लिए, कुछ इस तरह से 13 के आसपास कर लेना है दोस्तों। ये होने का दोस्तों ना देख सकते हो, और थोड़ी सी इसी में भी अगर आपको ब्यूटी अपने फोटो में देना है तो कुछ इसको माइनस कर सकते हो,
अच्छा देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे कुछ 5 के आसपास कर लेता हूँ -5। देखिए ये करने के बाद दोस्तों हमारा फोटो कितना ओसम लग रहा है वो, और फेस स्मूथ करने की जरूरत नहीं है, जिसको हमारा फेस स्मूथ हो चुका है इसमें। दोस्तों ये होने का आगे आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, कुछ इस तरह से इसको इंक्रीज कर लेते हल्की से, तो हमारा फोटो फुल HD बनाने में बनाता है। देखिए नेक्स्ट को दोस्तों अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि देख सकते हमारा फोटो कितना ओसम लग रहा है और इफेक्ट कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे दोस्तों हमारा फोटो में 4 चांद लगाने वाले काम कर रहा है, कुछ इसको इस तरह से डिक्रीज कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों मिडिल पॉइंट्स पे आएंगे कुछ इस तरह से, जो वो है ना डिग्रेड को कुछ इस तरह से ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है, मतलब जो इनका शेडो होता है उसको एडजस्ट करता है। सेम प्रोसेस वही है दोस्तों कुछ इस तरह से। हाइलाइट्स पे आएंगे, कुछ हाइलाइट्स 30 के आसपास रख देंगे दोस्तों कुछ इसे करने से मैं नॉइज फोटो बना रहा, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी करके, ये टूल करके कुछ इस तरह से हमारा फोटो में नॉइज आ चुका है, जैसा कि देख सकते हो आप बिंदु बिंदु से जैसा कि लग सकता है। मैं इसको दोस्तों सिंपली हमें अपने फोटो में यूज नहीं करना होता नॉइज, इसको माइनस कर देते हैं 0। दोस्तों ये हमें करना आपको कुछ ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, डिटेल्स पे आते हैं दोस्तों। सुनो कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे और 20 ये होना है दोस्तों। मिक्स पे भी कुछ इस तरह से 15 का रख देंगे। नॉइस रिडक्शन कुछ इंक्रीज कर लेते हैं 20 के आसपास दोस्तों। कंट्रास्ट भी इंक्रीज कर लेंगे कुछ 25 के आसपास दोस्तों। कलर नॉइज रिडक्शन भी कुछ इंक्रीज कर लेते हैं 13 के आसपास दोस्तों। आज के इस वीडियो में ना पूरी लाइटिंग के बारे में बताऊंगा, और इस वीडियो बने रहे लास्ट तक, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग वीडियो इस चैनल पर मिलता रहे। दोस्तों आपको फेस को कुछ स्मूथ करने के लिए कुछ इस तरह से, जैसे कि देख सकते हो कितना ओसम लगा दोस्तों। हमें फेस स्मूथ करने की जरूरत नहीं है, लाइट में पूरे स्केचबुक के जरूरत नहीं है, जैसे हमारा फेस भी स्मूथ हो चुका है दोस्तों। ये होना करना आपको दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, यहाँ से दोस्तों अपने फोटो कुछ 3D लुक दे सकते हैं, जैसा कि देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ 3D लुक देना नहीं है, तो मैं माइनस कुछ इस तरह से आपको कुछ, अगर आप अपने फोटो में 3D लुक देना चाहते हो तो आप ये इफेक्ट यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैं दोस्तों देख सकते हैं मैं कुछ इसको 5 के आसपास रख अपने फोटो में, कुछ आपको ना कुछ इस तरह से 3D इफेक्ट देना हो तो आप यूज कर सकते हो दोस्तों। कुछ इस तरह से यूज करना है दोस्तों। मैं सिंपली माइनस पे आता हूँ जैसा कि देख सकते हो कुछ इस तरह से। अगर आप इस साइड को भी करते हो लेफ्ट और राइट करते हो तो कुछ जो हमारा बैकग्राउंड का साइज होता है उससे बाहर हो जाता था ये, उसमें से मुझे यूज नहीं करना है सिंपली, तो मैं माइनस होने पर आता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट पे आना है, प्रोफाइल पे आना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको टेम्पो प्रोफाइल मिल जाएंगे, आपको बना बनाया मतलब वो प्रीसेट मिल जाता है जो आपको अपने फोटो में यूज करना होता है। तो सिंपली मैं 0.5 का भी यूज करके देखता हूँ कैसा लगता है दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। मैं कुछ यहाँ रख लेता हूँ 31 रख लेता हूँ कुछ दोस्तों। राइट पे क्लिक करना है यहाँ से दोस्तों आपको कुछ ऑप्शंस आगे मिलता ही नहीं है तो कुछ दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलता रहे दोस्तों। आप कमेंट करके बताना इस आपको कैसा लगा इस वीडियो को दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का दोस्तों अपने फोटो को यहाँ से सेव करने के लिए ना दोस्तों अपने फोटो को सेव करें इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव टू डिवाइस कर लेंगे।